इस वक्त हम मौजूद हैं विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, और मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये दुकानें लगाई गई थी जिसमें झंडा पोस्टर बैनर की ये दुकानें थी, ये अवैध थी। लखनऊ नगर निगम का कहना है कि अवैध तरीके से कब्जा करके ये दुकानें बनाई गई थी, जिसको लेकर के नगर निगम ने इनको 6 महीने पहले नोटिस भी जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अपने दुकानें यहाँ से हटा लें। हटाने के साथ साथ उन्होंने ये भी दुकानदारों से कहा था कि दुकानदार अगर ये दुकान नहीं हटाते हैं तो इन पर हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद दुकानदार नगर निगम कार्यालय गए और वहाँ नगर निगम अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद कुछ तय समय हुआ था कि इस तय समय के अनुसार हम यहाँ से दुकानें हटवा लेंगे, लेकिन यहाँ दुकानें नहीं हटवाई गईं, जिसके बाद आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए इन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है, जिसके विरोध में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है, तमाम लोग भी जो यहाँ आए हुए हैं वो यहाँ जिनकी दुकानें थी, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, कुछ नहीं थे, जिनकी दुकानें बंद थी वो यहाँ पर आकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। उसी क्रम में ये देखिए मेरे ठीक पीछे की तस्वीर है, यहाँ महिला ने अपने बाल घुटवा दिए हैं विरोध दर्ज कराते हुए। हम इस महिला से बात करते हैं, ये आप बाल क्यों घुटवा रही? बाल हमने इसलिए मुंडवाया क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। ये मेरी बेटी है, हम और माँ बेटी इसी में रहते थे, हम लोग की रोजी रोटी थी। यहाँ की दुकानें तोड़ दी गई हैं, सामने की दुकानें क्यों नहीं तोड़ी गई हैं? और वहीं सामने सोनम किन्नर का मकान है, उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? अवैध मकान है उसका पूरा। क्रिश्चियन की जगह सोनम किन्नर कैसे आके वहाँ रह रही है? उसी के जस्ट बगल में यहीं पर नाले पर पूरी पक्की बिल्डिंगें बनी हुई, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या वो नहीं दिखाई पड़ा? ये सरकार इतनी अंधी हो गई है, उसको शर्म नहीं आती जीता जी अपने पति के होते कि हम बाल से मुंडवा रहे हैं? सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई जानकारी या कोई नोटिस भेजी? कोई जानकारी नहीं है, लोग बताते हैं कि नोटिस आई थी, चूंकि हम गाँव में थे हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। तो ये आयुष श्रीवास्तव हैं जिनका कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, अगर नोटिस आई भी होगी तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। सामने वाली पट्टी पर जो मकान बने हुए वो भी अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इनका कहना है कि नगर निगम की ये एक तरफा कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।